हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 बेस्ड ऑन डिडक्शन फार्मूला। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ आई एन इक्वल्स टू 0 to π/2 एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रूव दैट आई एन इक्वल्स टू एन माइनस 1 बाई एन आई एन माइनस 2 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर एंड हैंस इवेल्युएट आई टू। मीन्स आपको ये गिवन दिया हुआ है और ये आपको प्रूव करना है, और जब ये प्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है आई टू की। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव आई एन इक्वल्स टू, दैट इज 0 to π/2 एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, राइट? से दिस इज फर्स्ट, ओके। नाउ हाउ कैन वी राइट दिस एज, देयर फोर वी कैन राइट आई एन इक्वल्स टू, दिस इज 0 to π/2, दिस इज एक्स कॉस टू द पावर एन माइनस 2 ऑफ एक्स इन टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, अल्टीमेटली वही बचेगा। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स को आप ब्रेक कर लीजिए। सो दिस इज 0 to π/2, दिस इज एक्स कॉस ऑफ एन माइनस 2 ऑफ एक्स इन टू, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट? नाउ आफ्टर दैट आप इसको सेपरेट कर लीजिए। सो दिस इज नथिंग बट 0 to π/2, दिस इज एक्स कॉस एन माइनस 2 ऑफ एक्स डी एक्स, और क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट 0 to π/2, इसको इससे मल्टीप्लाई, सो दिस इज एक्स कॉस एन माइनस 2 ऑफ एक्स इन टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ अब इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ये आपको गिवन है, अगर मैं एन की जगह एन माइनस 2 रखूँ तो एक्स कॉस एन माइनस 2 ऑफ एक्स डी एक्स दिखाई देगा। सो बेसिकली दिस थिंग इज नथिंग बट आई एन माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका आई एन माइनस 2 यूजिंग फर्स्ट, राइट? माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए बाय राइटिंग एक्स, एक साइन एक्स को इसके साथ लीजिए, एक्स साइन एक्स एंड एक्स इज कॉस ऑफ एन माइनस 2 ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। सिर्फ लिखने का तरीका हमने चेंज किया है। अब हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग दिस एज फर्स्ट दिस एज सेकंड, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो बिफोर इंटीग्रेटिंग इसको पहले मैंने तो मान लिया सेकंड, राइट? अब कुछ चीज़ हम समझेंगे, जब मैं पार्शियली इंटीग्रेट इसको करूँगा, अब बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाऊंगा, तो ये फर्स्ट है, ये आ जाएगा एज इट इज, और इसका आएगा इंटीग्रेशन। तो जब इसका इंटीग्रेशन आएगा और वो दोनों पार्ट में आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, राइट? ताकि हमें जब यूज़ करें तो ईजिली हम लोग उसको फिट कर पाए। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, मुझे निकालना है इसका इंटीग्रेशन, राइट? तो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन की बात करूँगा, लिमिट हम लोग वहीं पर अप्लाई करेंगे, लिमिट यहाँ नहीं लगाएंगे, राइट? तो हम लोग पहले इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन आएगा क्या। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, सो लेट, अगर मैं साइन एक्स को लेट करूं या कॉस एक्स को लेट करूं, सॉरी, लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू से टी, राइट? तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, राइट? और यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज नथिंग बट साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। जब कॉस लेट करते हैं तो माइनस साइन आता है, आप जानते हैं डिफ्रेंसिएशन की वजह से। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैंने चेंज किया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स की जगह टी, तो ये आ जाएगा टी टू द पावर एन माइनस 2, राइट? साइन एक्स डी एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ डी टी, तो माइनस साइन यहाँ आ गया, मैंने डी टी यहाँ लिख लिया। अब इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, टी टू द पावर एन माइनस 2 प्लस 1,
नीचे कितना आएगा n माइनस टू प्लस वन, राइट। मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट माइनस t टू द पावर n माइनस वन, नीचे क्या आ जाएगा n माइनस वन। तो t की वैल्यू क्या ली है आपने, दैट इज cos x, तो बेसिकली क्या हो गया माइनस cos टू द पावर n माइनस वन ऑफ x ओवर n माइनस वन, ये चीज़ आपकी आ गई। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को आपको यहाँ कैसे यूज़ करोगे, तो देखो इसको आप लोग अगर यहाँ से इंटीग्रेशन लगाना चाहें तो इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसको बाय पार्ट्स करके इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा और फिर इसका इंटीग्रेशन। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा, इसको सपोज कर लीजिए थ्री मान लीजिए, क्योंकि जब मैं यूज़ करूँगा तो इसको डायरेक्टली लिख दूंगा और यूज़ करके बता दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ आएगा, इसका इंटीग्रेशन, और जब इसका इंटीग्रेशन की बात आएगी तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे, फिर माइनस साइन आएगा और इसका आएगा डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन तो इजी है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिख लेंगे और इसका फिर से फर्दर इंटीग्रेशन आएगा तो वो वैल्यू हम लोग फिर से ये उठा के लिख लेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो स्टूडेंट्स मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ये तो आई एन माइनस टू था ही, माइनस साइन यहाँ पर रहेगा क्योंकि उसके पहले माइनस साइन था, फिर जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो माइनस साइन इसका रहा और एक्स साइन एज इट इज कॉस टू द पावर एन माइनस वन ऑफ एक्स एन माइनस वन, माइनस यहाँ पर आता पर इसकी वजह से इसका माइनस एक्स साइन था तो माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, और एक्स साइन एक्स का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो एक्स साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का हो गया वन, और ये आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट, तो ये इंटीग्रेशन आ गया डी एक्स और यूजिंग थ्री। तो टू से हमने लेके इंटीग्रेट कर लिया और थ्री को इसमें यूज़ कर लिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। सो दिस विल गिव यू आई एन माइनस टू एज इट इज माइनस साइन, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट जब लगाएंगे तो कॉस 90 जीरो होगा और लोअर लिमिट लगाएंगे तो साइन जीरो की वजह से जीरो, और यहाँ पर रखेंगे तो भी वैसे जीरो। तो अल्टीमेटली मेरे पास में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर इसकी वैल्यू आ गई जीरो, राइट। अब इसको लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं, राइट। तो ये जो वन एन माइनस वन है तो ये आ जाएगा आपका बाहर, दैट इज वन बाय एन माइनस वन, राइट। तो वन बाय एन माइनस वन आ गया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो टू पाई बाई टू, ये एक्स आपका एज इट इज कॉस टू द पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, राइट। अब इसको इसके साथ लेंगे और अलग अलग कर लेंगे तो सेम प्लस वन बाय एन माइनस वन, राइट, लिमिट जीरो टू पाई बाय टू, दिस इज नथिंग बट एक्स कॉस एक्स सॉरी साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये वाला पार्ट तो हो गया, ये वाला साइन एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। अब इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर ले आएंगे क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड भी क्या है, ये आई एन है, और इसको देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सो दिस इज इम्प्लाई आई एन इक्वल्स टू, चाहे तो इसको ऐसे लिख लें आई एन माइनस टू, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज वन बाय एन माइनस वन, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट आई एन, राइट। माइनस आ जाएगा यहाँ भी माइनस वन बाय एन माइनस वन, सो दिस इज व्हाट। अब इसको यदि इंटीग्रेट करें तो जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम वैसे ही, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इज माइनस एन माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो जाएगा कॉस टू द पावर एन एक्स ओवर दिस इज एन। आप लोग कैसे करेंगे इसको मैं बता देता हूँ, कॉस एक्स को लेट करेंगे जैसे हमने पिछले में किया था, जो हमने थर्ड यूज़ किया था, कॉस एक्स को लेट करेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कॉस टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल, तो कॉस टू द पावर एन एक्स बाई एन, ये आपका सिंपल आ जाएगा। आई रिपीट, इसको आप लोग लेट करेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आएगा और उसको आप लोग यूज़ करेंगे तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी, और इस पर लगा देंगे आप लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, अब इसके बाद में इस चीज को आप ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा आई एन राइट प्लस वन बाय एन माइनस वन आई एन इक्वल्स टू, दिस इज आई एन माइनस टू, राइट, दिस इज नथिंग बट माइनस माइनस आप इसको प्लस कर लीजिए वन बाय एन इंटू एन माइनस वन,
इतना आया, ये एन बाहर कर लिया, माइनस माइनस हो गया प्लस एन इंटू एन माइनस वन। अब जरा लिमिट लगाइए, तो कॉस 90 हो गया ज़ीरो, राइट, माइनस कॉस ज़ीरो हो गया आपका वन, तो ये आ गया ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें से आप आई एन को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा वन प्लस वन बाय एन माइनस वन, दिस इज इंटू आई एन, मैंने आई एन कॉमन लिया, सो दिस इज नथिंग बट आई एन माइनस टू, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस वन अपॉन एन इंटू एन माइनस वन, ये माइनस एन यहाँ आ गया, राइट। अब मैं कहता हूँ पूरे में आप एन माइनस वन की चाहे तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, जब एन माइनस वन की आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेसिकली आपके पास में क्या आएगा, सो दिस इज एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन कैंसिल, वन आ गया यहाँ पर, इंटू आई एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एन माइनस वन की मल्टीप्लाई हुई, तो एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू, एन माइनस वन की मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा आपका, तो माइनस वन बाई एन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चाहे तो आप लिख भी सकते हैं साइड में कि बाय मल्टीप्लाइंग एन माइनस वन, तो ये वन से तो वन कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला क्या, दिस इज इम्प्लाई, मैं यहीं लिख देता हूँ आपको, दिस इम्प्लाइज ये एन आई एन, एन आई एन इक्वल्स टू, दिस इज सेम राइट साइड, एन माइनस वन आई एन माइनस टू, ओके, एंड माइनस वन बाई एन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप एन से डिवाइड कर लीजिए, तो जब आप एन से डिवाइड करेंगे सो व्हाट विल यू गेट, आई एन इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट एन माइनस वन ओवर एन इंटू आई एन माइनस टू, और एन से आपने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई एन स्क्वायर, से दिस इज फोर, हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, गलत तो नहीं है, तो ये आपका प्रूव हो गया। अब इसके बाद में, प्रूव हो जाने के बाद में आपसे पूछी थी आई टू की वैल्यू, तो जब आई टू पूछा तो आप इसी में क्या रख देंगे, एन इक्वल टू टू, सो पुट एन इक्वल्स टू टू इन फोर, वी गेट, तो जब एन इक्वल टू आप टू रखेंगे सो यू विल गेट आई टू, आई थ्री भी पूछ सकता था, आई फाइव भी, आई फोर भी, कुछ भी पूछ सकता है, तो वो वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, तो जब टू रखा तो टू माइनस वन वन हो गया, तो वन बाई टू इन टू, टू माइनस टू जीरो, सो दिस इज आई जीरो, राइट, माइनस ऑफ वन बाई टू स्क्वायर, राइट। अब पूछा आपसे आई जीरो की वैल्यू, तो आई जीरो आप जाएंगे सीधा फर्स्ट पे, और आई जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो दिस इज नथिंग बट वन बाई टू आई जीरो, आई जीरो इज नथिंग बट जीरो टू पाई बाई टू एक्स कॉस टू द पावर एन, मतलब जीरो एक्स डी एक्स, राइट, तो ये इसके साथ माइनस वन बाई फोर, टू स्क्वायर मतलब फोर, सो दिस इज नथिंग बट वन बाई टू, राइट, कॉस टू द पावर जीरो हो गया वन, तो एक्स डी एक्स, इसका करेंगे आप इंटीग्रेशन, तो एक्स डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो टू पाई बाई टू माइनस ई वन बाई फोर, राइट। तो इसमें आप लोग वैल्यू रख देंगे, सो दिस इज नथिंग बट ये टू टू तो हो गया फोर, तो वन बाई फोर बाहर आ गया, ठीक है, टू टू जा हो गया फोर, वन बाई फोर हो गया बाहर, पाई बाई टू का स्क्वायर, तो पाई बाई टू का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाई फोर, राइट, लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो और माइनस वन बाई फोर, तो बेसिकली कितना आ गया ये, दिस इज पाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन, फोर फोर जा 16 और माइनस वन बाई फोर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई टू। तो आप लोग यहां से आई थ्री, आई फोर, आई सिक्स जो भी पूछे आप लोग निकाल सकते हैं। मेन पार्ट क्या था आपका, ये वाला पार्ट था जिसको आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ठीक है। सो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।